हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं फ्लटर के अंदर आप लिस्ट व्यू के अंदर वीडियो कैसे प्ले कर सकते हो, और वो भी कैशे के थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोड मेरा क्या हुआ है, तो मैं कोड एक्सप्लेन करूँगा। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और जो कोड है वो उसका गिट में लिंक आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन पब्सपेक वाईएमएल फाइल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली दो जो है डिपेंडेंसीज अपन को डाउनलोड करनी है। एक है फ्लटर कैशे मैनेजर और एक है वीडियो प्लेयर। ठीक है, दोनों के लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल कर लेना। आपको मेरी वीडियोस देख लेना, जिस अगर आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करते हैं तो। ठीक है, मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है। और अब आते हैं मेन डॉट डार्ट के अंदर। बेसिकली अपन ने यहाँ पे क्या करा था, स्टेटफुल विजिट ले रखी है, उसके अंदर मटेरियल ऐप है, और जो होम को कॉल करा दी है, होम विजिट अपने स्टेटलेस से जो अपने प्लेयर कंट्रोलर को कॉल करती है। ठीक है, एज अ चाइल्ड इन सेफ एरिया। सेफ एरिया मैंने नॉच वाले डिवाइसेस के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ही नॉच आती है। तो ये सबसे पहले इसका आउटपुट भी देख लेते अपन कैसा दिखेगा। तो ये देखो आप, और जैसे आप इसको प्ले करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले वेटिंग आएगा, देन अभी ये आपका प्ले हो गया, स्क्रॉल देन प्ले। ठीक है, स्क्रॉल देन देख सकते हो कितना फास्ट प्ले हो रहा है। तो ये जो प्ले हो रहा है ये आपका कैशे में से प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अपन यही करेंगे, इसको तो मैं बंद कर देता हूँ। अब अपन कोड देखते हैं। कोड के अंदर सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, प्लेयर कंट्रोलर पे चलता है। ठीक है, प्लेयर कंट्रोलर के अंदर मैंने स्टेटफुल विजिट बनाई है। ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल ले रखा है करंट इंडेक्स, जो आपको ये बताएगा कि आप अभी कौन सी इंडेक्स आपकी कौन सी इंडेक्स का जो यूआरएल है वो आपका चल रहा है। ठीक है, और ये अपन ने यहाँ पे यूआरएल का एक एरे ले लिया है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये आपका जो है रिमोट URL रहेगा, जैसा आपका डेटाबेस में स्टोर है या आपके पास कोई URL आता है उसको प्ले कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कंटेनर लिया हुआ है जिसकी विड्थ इन्फिनिटी दे दी है, और हाइट जो है जितनी अपनी स्क्रीन की हाइट है वो दे दी है। पेज व्यू बिल्डर लिया हुआ है मैंने एज ए चाइल्ड। ठीक है, पेज व्यू बिल्डर यहाँ पर मैंने लिस्ट व्यू नहीं लिया है, ना मैंने कोई स्क्रॉल व्यू लिया है, क्योंकि लिस्ट और स्क्रॉल व्यू में क्या होता है, आपके स्मूथ स्क्रॉलिंग होती है, बिल्कुल रुकता नहीं है बीच में कहीं। लेकिन अपन को क्या करना है, ऐसे जैसे इंस्टाग्राम रील के अंदर होता है वन बाय वन, ठीक है, वैसे करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेज भी बिल्डर ले रखा है। ठीक है, ये भी स्क्रॉलिंग का काम करता है। स्क्रॉल इसका डायरेक्शन मैंने वर्टिकल दे रखा है, आपको हॉरिजॉन्टल देना है हॉरिजॉन्टल दो, वर्टिकल देना है वर्टिकल दो, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आइटम काउंट मैंने जितना मेरा यूआरएल है, अब आपके पास ये डेटा आएगा बैक एंड से एपीआई के थ्रू, तो जो भी डेटा आ रहा है वो डॉट लेंथ। ऑन पेज चेंज पे मैंने क्या कर रखा है, जो करंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू को अपडेट कराया हुआ है। ठीक है, और आइटम बिल्डर के अंदर मैंने क्या कर रखा है, फीड आइटम का जो विजिटर्स को कॉल कराई हुई है उसके अंदर मैं यूआरएल पास कर रहा हूँ, मेरा जो अभी करंट इंडेक्स चल रहे हैं कि जो इंडेक्स है वो। ठीक है, अब आते हैं अपन फीड आइटम के अंदर। फीड आइटम के अंदर क्या कर रखा है, फीड आइटम एक तरीके से मैंने एक सिंगल रो ले रखी है। ठीक है ना, तो फीड आइटम के अंदर मैंने क्या करा, एक यू आर एल ले रहा हूँ जो कि अपन प्ले करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों फाइलें इंपोर्ट करा दी मैंने, कैशे मैनेजर और वीडियो प्लेयर, और इसके साथ ही मैंने वीडियो प्लेयर का एक कंट्रोलर बना रखा है जो कि वीडियो जो वीडियो अपनी विजिट होगी उसके अंदर काम आएगा। ठीक है, और जैसे ही अपना इनिट मेथड कॉल होता है, ये भी स्टेटफुल विजिट है, तो जैसे अपना इनिट मेथड कॉल होगा सबसे पहले, तो यहीं पर अपन क्या करेंगे, अपना कंट्रोलर को इनिशलाइज कराना पड़ेगा अपन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खुद का एक कस्टम मेथड बनाया हुआ है इनिशियलाइज प्लेयर, इसके अंदर मैंने यूआरएल पास किया हुआ है जो अपन को बैक पीछे से मिल रहा है पीछे वाली क्लास से। इनिशियलाइज प्लेयर के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, ये चेक कर रखा है कि भाई कैश जो यूआरएल है वो कैशे में है या नहीं है उसका डेटा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इनका वेट, इनका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी आपको कोई भी डेटा फ्यूचर में मिलता है या थोड़ा जिसमें टाइम लगता है तो उसके लिए अपन अवेट और असिंक वगैरह यूज़ में लेते हैं, ये भी मेरी पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ये मेथड करके आला है।
चेक फॉर कैशे। तो आप इस यूआरएल के अंदर जाओगे और उसके अंदर यूआरएल पास कराओगे, यहाँ पे ये चेक करेगा, ठीक है, क्या चेक करेगा कि आपका जो यूआरएल है उसका डाटा कैशे में है या नहीं है। तो ये कैसे चेक करेगा, ये आपका डिफ़ॉल्ट कैशे मैनेजर, ठीक है ना, जो आपकी लाइब्रेरी है कैशे मैनेजर, वो आपको डिफ़ॉल्ट कैशे मैनेजर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आप चाहो तो अपना खुद का कस्टम भी बना सकते हो, उसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है, बट यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट ही ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कैशे मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट गेट फाइल फ्रॉम कैशे, ये उसका खुद का डिफ़ॉल्ट मेथड है जो अपन को कॉल करना है। ये बेसिकली अगर आपकी कोई भी फाइल कैशे के अंदर होगी पर्टिकुलर यूआरएल से रिलेटेड, तो वो आपको लाके दे देगा, ठीक है। तो ये अपन ने यूआरएल यहाँ पे डाला, तो अगर इसके अंदर डेटा आता है तो वो किस टाइप का आएगा, फाइल इन्फो टाइप का, ठीक है। जब जैसे आप इस पर कर्सर ले जाओगे आपको बता देगा पूरा, ठीक है ना, ये फाइल इन्फो टाइप का आएगा और ये फ्लटर कैशे मैनेजर के अंदर ही है। फाइल इन्फो की जो जो फाइल इन्फो होगा वो अपन यहाँ पे रिटर्न भी करवा रहे हैं, बट ये ऑप्शनल टाइप है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपके कैशे के अंदर डेटा हो या नहीं हो, क्योंकि जब सबसे पहली बार आओगे तब तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो वो नल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसको डेटा मिल गया फाइल इन्फो का, तो अपन ने चेक कराया फाइल इन्फो जो है वो नल है क्या, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होते अपन क्या करेंगे, वीडियो प्लेयर कंट्रोलर को नेटवर्क के थ्रू डेटा सेट करेंगे इसका यूआरएल में, जो भी यूआरएल हो उसको, और फिर इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे, ठीक है। जैसे ही इनिशियलाइज़ हो जाएगा तो डॉट देन, ये क्या बताता है, ये भी मतलब इनिशियलाइज़ करता है, तो ये भी फ्यूचर टाइप का होता है, मतलब इसको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो अपन इसके लिए लगाते हैं डॉट देन, ठीक है ना। तो ये डॉट देन क्या करता है, इसका मतलब यही है कि जैसे ही ये चीज़ इनिशलाइज हो जाए देन आपको क्या मिलेगा, ये एक वैल्यू मिलेगी, ओके हाँ, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये वैल्यू आपको बताएगी कि भाई आपका इनिशलाइज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, कंट्रोलर तो इनिशलाइज हो गया बट अपना अभी भी कैशे में जो डेटा है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, जो भी यूआरएल आ रहा है उसको यूआरएल को अपन कैश उसका कैशे निकालेंगे, कैशे बनाएंगे उसका। तो यहाँ पे अपन ने एक मेथड बना लिया कैश्ड फॉर यूआरएल, ठीक है। तो कैश फॉर यूआरएल क्या करेगा, यहाँ पे भी सेम मैंने डिफ़ॉल्ट कैशे मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया एक, ठीक है, और इसकी एक फंक्शन होता है गेट सिंगल फाइल, ये क्या करता है इसको डाउनलोड कर देगा यहाँ से, अगर ये नहीं होगी तो कैशे में, ठीक है, इसको डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद देन ये वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, और जो ये वैल्यू होगी ये वैल्यू किस टाइप की होगी, आपकी फाइल टाइप की, ठीक है, ये जो फाइल इन्फो इसी टाइप की होगी। यहाँ पर भी मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने इसको गेट नहीं किया, यहाँ पर सिंपल सा मैंने दिखा दिया डाउनलोड सक्सेसफुली, ठीक है। अब आते हैं अपन यहाँ पे, ये अपना जो है असिंक्रोनसली परफॉर्म हो जाएगा ये टास्क, यहाँ पे ये अपन ने करवा दिया। इसके बाद अपन ने क्या करा, जो कंट्रोलर था उसको प्ले करवा दिया अपन ने, ठीक है, वो प्ले हो जाएगा जैसे आपको वो रेडी हो जाएगा प्ले होने के लिए। अगर आपको ऑलरेडी जैसे अब जब दूसरी बार चलाओगे तो ये आपको कैशे में से मिल जाएगा, तो यहाँ पे नल नहीं आएगा, तो वो एल्स कंडीशन में जाएगा। तो जब आपको नल नहीं मिलता डेटा तो फाइल इन्फो की एक प्रॉपर्टी होती है फाइल, ठीक है, ये होती है फाइल टाइप की, ये भी आपके कैशे मैनेजर के अंदर ही है। तो जब भी आप वीडियो कंट्रोलर को प्ले करोगे तो उसका जो सेटअप करोगे ना, अगर कैशे में से कर रहे हो तो वो डॉट फाइल के थ्रू होगा, और अगर डायरेक्ट कर रहे हो यूआरएल के थ्रू तो नेटवर्क डॉट नेटवर्क से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने डॉट फाइल कर दिया, अपने पास फाइल आएगी तो अपन इसको वापस इनिशियलाइज कर देंगे इसके बेसिस पे, और देन आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, कि भाई इनिशियलाइज हुआ या नहीं हुआ जो भी है, और फिर कंट्रोलर डॉट प्ले कर दोगे आप स्टेट पे। तो ये अपना काम हो गया, यहाँ पे अपन ने डिस्पोज किया हुआ है इसको, डिस्पोज करने का मतलब है इसको मेमोरी से रिलीज़ कर दिया है, और यहाँ पे अपन ने कंडीशन लगा रखी है, अगर कंट्रोलर ये जो अपना बिल्ड मेथड होता है उसके अंदर कंट्रोलर जो है वो नल है, तो अपन सबसे पहले वेरी फर्स्ट टाइम जब आएगा तो ये दिखेगा वेट, और अगर कंट्रोलर नल नहीं होता तो ये चेक करेगा कि भाई ये इनिशलाइज हो गया क्या इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू इनिशलाइज हो जाती है तब तो अपन ये वीडियो प्लेयर विजिट दिखा देंगे और इसके अंदर कंट्रोलर को पास कर देंगे,
और जैसे ही ये कंट्रोलर रेडी हो जाएगा प्ले होने के लिए, तो वहाँ पे ये मेथड कॉल हो ही रहा है डॉट प्ले सेट स्टेट पे कर देंगे अपन, तो ये जहाँ जहाँ यूज़ में हो रहा है वहाँ पे प्ले हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये रेडी नहीं होता है इनिशियलाइज वैल्यूज़ की, तो ये लोडिंग दिखा देगा, ठीक है। टेक्स्ट आप चाहो तो यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लगाया लोडिंग का, आप चाहो तो यहाँ पे एज ए प्लेस होल्डर इमेज जो कि वीडियो के साथ आती है वो लगा सकते हो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। तो ये था अपना छोटा सा कोड इसके लिए। यहाँ पे एक फाइल और बनी हुई है जनरेटेड प्लग इन रजिस्ट्रॉन डॉट डॉट। जब भी आप वीडियो प्लेयर को इंस्टॉल करते हो ना लाइब्रेरी को, तो ये उसके साथ बाय डिफॉल्ट बन जाती है, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, छेड़ना नहीं। और बाकी तो आपका डन है, और जब आप इसको प्ले करोगे तो आपका प्लेयर रेडी है इंस्टाग्राम रील की तरह। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो इस कोड से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।